कैसे हो बच्चों? आज का हमारा पाठ है नवीन कक्षा का पाठ थर्टीन लेसन जो तेरहवा लेसन है हमारे गद्य भाग में उसका नाम है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा सड़क क्या रास्ता रोड तो रोड की रास्ते का एक रक्षा करना है हम लोग तो सबका क्या होगा सुरक्षा होगा देखिए बच्चों बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट्स होते हैं हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं सड़क में क्यों होते हैं इसका कारण क्या है क्योंकि सड़क ठीक नहीं रहती इसलिए एक्सीडेंट्स होते रहते हैं तो सड़क सड़क की रक्षा करेंगे तो रास्ते को हम ठीक तरह से उसको रिपेयर करेंगे या उसको मरम्मत करेंगे उसको ठीक से रखेंगे तो हमें कोई एक्सीडेंट की ज़्यादातर परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी इस पार्ट में एक विभू नामक एक लड़का रहता है वो सड़क के रक्षा के लिए सड़क की रक्षा के करने के लिए क्या निर्णय लेता है इस पार्ट में हम देखेंगे पार्ट है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा बच्चों आपको अंडरलाइन करना होगा कुछ आ, आशय क्या है इस पाठ का बच्चों आज इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ का आशय को देखेंगे अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए हम एक अच्छे नागरिक है भारतीय नागरिक है तो हम अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े हम हमारा कर्तव्य क्या है कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है इस पाठ में सड़क की सुरक्षा सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया जाता है इस पाठ में यह है कि नागरिक का प्रमुख कर्तव्य नागरिक का एक प्रमुख कर्तव्य क्या है सड़क की रक्षा करना है सड़क की रक्षा करना नागरिकों के कर्तव्य है और सफाई सड़क की सफाई यानी हम स्वच्छ भारत अभियान करते हैं वो भारत की सफाई के लिए और सड़क की सुरक्षा भी हमारा एक परम कर्तव्य मानकर हम क्या करना चाहिए छात्रों को सचेत करना चाहते हैं इस पाठ के द्वारा छात्र क्या होना है सड़क को सफाई करना सड़क की रक्षा करना हमारा आद्य कर्तव्य मानना चाहिए बच्चों तो आज इस पाठ पे देखेंगे कि क्या होता है विभु नामक एक लड़का रहता है विभू नवी कक्षा में पढ़ रहा था रिपू नामक का एक लड़का रहता है एक स्टूडेंट वो नौवीं कक्षा में पढ़ रहा था नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसे साढ़े नौ बजे तक स्कूल पहुंचना था साढ़े नौ यानी नाइन थर्टी स्कूल जाना पड़ता था नाइन थर्टी को तो बच्चों साढ़े नौ बजे स्कूल पहुंचना था उसका साइकिल खराब हो गया था साढ़े नौ बजे स्कूल जाना था लेकिन उसकी साइकिल खराब हो गई थी यानी उसकी साइकिल कुछ रिपेयर था उसमें वो ख़राब हो गई थी तो आप भी बच्चों जाते समय साइकिल कुछ रिपेयर आती है तो खराब हो जाती है तो वीबो की साइकिल भी खराब हो गई थी इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था वो साइकिल को एक जगह पर छोड़कर वो जल्दी जल्दी वेरी फास्ट तो जा रहा था स्कूल सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था तो वो स्कूल जा रहा था सड़क पर किसी ने किसी ने एनीवन तो कोई आदमी कोई व्यक्ति सड़क पर एक केले का छिलका एक बनाना का छिलका क्या है बनाना खाकर छिलके को फेंक देते हैं हम लोग सड़क पर तो ऐसे ही कोई बनाना खाकर उसका छिलका फेंक दिया था तो कन्नड़ में सिप्पे कहते हैं छिलका हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते देखिए बच्चों केले का छिलका फेंकना एक गलत है ये नागरिक का एक अच्छा नागरिक का एक काम नहीं होता तो किसी ने छिलका फेंक दिया था तो हमें क्या करना चाहिए हम सबको सफाई का ध्यान देना चाहिए सड़क की सफाई का ध्यान रखना चाहिए मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते कुछ लोग ऐसा नहीं करते कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं कभी कभी हम लोग हम भारत के नागरिक का अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं भूलना यानी है छोड़ देते हैं भूल देते हैं विभू का पाँव छिलके पर पड़ते ही वो फिसल कर गिर गया तो विभू का पाँव पाँव यानी लेग क्या होता है उस छिलके पर उस बनाना के छिलके पर पड़ता है तो वो फिसल गया फिसलना ओ फिसल कर गिर गया तो वो क्या होता है गिर जाता है गिरना केड़ा के तो गिर जाता है चोट लगी कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया उदास है वेरी सैड उसको चोट लगी तो गिरने के बाद क्या होता है पैर फिसल कर गिरने के बाद और जारी बिद्दू बिड़ता रहे और ये काल उगाया आ गते ये तुम्बा बेजार आ गते तो उसको बहुत कपड़े गंदे हो गए उसके क्लॉथ्स क्या हो गए गंदे हो गए और वह उदास हो गया उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म गंदा हो गया तो अच्छा नहीं लगा वहाँ वो गिर जाता है वो उदास होता है वहीं पर किसी की आवाज़ आती है कोई वो स्टूडेंट विभू को कोई आवाज़ देता है यार दो शब्द कह सकते हैं उठो बेटा उदास मत हो कहीं से आवाज़ आती है उस विभू को कहीं से आवाज़ आती है कहीं से बात सुनाई देती है और कहते हैं उठो बेटा उदास मत हो उदास यानी सैड मत हो उदास नहीं होना है कहीं से आवाज़ आती है निंदा न शब्दा खेल सकते हैं उसने आगे पीछे देखा आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो विभू आसपास देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही है लेकिन आवाज़ कहीं से नहीं कोई भी नहीं दिखाई दी अल यारू कांड लीला दूर दूर तक कोई नहीं था दूर दूर तक कोई नहीं था तुम्बा यू नोड़ू कूड़ा इलू कूड़ा यारू कूड़ा कांड लीला विभू चौंक गया चौंक ना घाबरी होना घबराना तो विभू को घबराया क्योंकि आवाज़ आती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता प्रत्यक्ष रूप से इतने में सड़क फिर से बोली इतने में सड़क रास्ता फिर से बोला वो आवाज कहाँ से आ रही थी सड़क से रास्ते से आ रही थी देखिए बच्चों रास्ता बात कर रहा था रोड बात कर रहा था तो बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ तो वो कौन बोल रहा था सड़क बोल रही थी रोड से आवाज़ आ रही थी बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है वहाँ से क्या आवाज़ आती है बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ चोट सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी लगी है चोट चोट यानी इंजुरी सिर्फ तुम्हें नहीं है मुझे भी लगी है कहकर वो रास्ता बात करता है सुनाई देता है रस्ते माता कै अद नो नुकमात्र आगे पेट ना ननगू आगे अवंत शब्द आ रस्त मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है आदमी टांगे जानवर मोटर गाड़ियाँ चौबीसों घंटे मेरे ऊपर चलते चलाते रहते हैं लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीने मेरे घाव नहीं भरते मत आ रस्ते हेड़ ननकू कूड़ा नो पेट याके ಆದ್ಮಿ ತಾಂಗೆ ಜಾನ್ವರ್ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿಯ ಚೋಬೀಸೋ ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಊಪರ್ ಚಲಾತೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನೇನೋ ತಾಂಗ ಜಾನ್ವರ್ ಟಾಂಗೆ ಟಾಂಗ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿ ಮುಜ್ಜ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಜಾನ್ವರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚೋಬೀಸೋ ಗಂಟೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಲೋಗ್ ಡೇರ್ ಸಾರ ಕೂಡ ಕಚರಾ ದಾಲ್ ದಾಲ್ತೆ ರೇ ತುಂಬ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇ ಬಡಿ ನಿರ್ಮಮತಾ ಸೆ ಮುಜೆ ಕಾಟಿಪಿದೇತೆ ಹೆ ನಿರ್ಮಮತ ತುಂಬ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಮಹಿನೋ ಮಹಿನೋ ಮೇರೆ ಪಾವ್ ನಹಿ ಬರ್ತೆ ಮಹಿನೋ ಮಹಿನೋ ಮೇರೆ ಘಾವ್ ನಹಿ ಬರ್ತೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಸಡಕ್ ಜ ಬೋಲ್ ರೀತಿ ತೋ ರೀತಿ ಆ ಓ ಸಡಕ್ ಬಾತ್ ಬರೀ ತೀ ತೋ ಸಡಕ್ ರೋ ರೀತಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಳು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಭು ಹೇಳ್ತಾನ ವಿಭು ಕೋ ಆ ರೋ ರಾಸ್ತ ರೋತಾ ಹು ವಿಭು ಕೋ ಬತಾ ಬ ವ್ಯಥಾ ಕೋ ತ ವಿಭು ರೋ ರಾಥ ತ ವಿಭು ಸಾಂಪ್ ಸುಂಗಯಾ ಥಾ ಸಾಂಪ್ ಸುಂಗ್ನಾ ಏನೇ ಇಸ್ಕಾ ಮತ ಬಹುತಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟು ಹೋಣ ಕ್ಯೂಕಿ ಸಡಕ್ ಪಾತ್ಕರ್ ರೈತಿ ರಸ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿಭುಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಡಕ್ ಸುಂಗೈತಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದರುದರ ದೇಖಾ ತೋ ತೀನೋ ಜಗಸೆ ಸಡಕ್ ಒಕ್ಕೋ ಆರ್ ಪಾರ್ ಕಾಟ ಗಯಾಥ ಇದರುದರ ದೇಖಾ आकड़े इकड़े नोड़ता नहीं विभू सड़क को दो तीन जगहों पर सड़क को आर पार काटा गया था आर पार पूरा स्ट्रेटली क्या हो गया था इधर उधर काटा गया था रोड को हम देखते हैं कुछ रोड रिपेयर है तो क्या करते हैं रोड को काट देते हैं रास्तों को काट देते हैं गड्ढा कर देते हैं तो काट गया था रोडअन सत्तलू ऐन तो कटअन माड़ी रोडअन मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे तो टुटुडड्डा कल्लूगलंना आयन ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಲಪೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗನೆ ਔರ್ ನಯ ನಯೆ ಮಕಾನ ಬನಾನೆ ವಾಲೋನೆ ಸಡಕ್ ಕೋ ಕಾಟ್ನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಜಲಪೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗ್ಯನೆ ಬಚ್ಚೋ ಜಲಪೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ਔ ಜಲಪೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಕೋ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಹತೆ ಹೈ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಓ ಪೈಪ್ಸ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಸಡಕ್ ಕೆ ಅಂಡರ್ ದಾಲ್ತೆ ಹೈ ਔರ್ ಓಸ पाइप्स को लाने के लिए सड़क को काट कर ही वो क्या करना पड़ता है पाइप्स को डालना पड़ता है तो जलपूर्ति विभाग वाले और नए नए मकान बनाने वाले नए नए मकान बनाना हो तो हम फाउंडेशन डालना है तो पिलर्स डालना है तो सड़क को खोदना पड़ता है रोड़ना अगी बेक आगते तो सड़क को काटने का काम किया था आ रोडअन ಕಾಟ್ನೆ ಕಾಯ ಮುರಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೋಡನ್ನು ಅಗಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ ತೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಡಕ್ಕೆ ತಿಹಾಯಿ ಭಾಗ ಪರ್ ಪಥರ್ ಗಿರೆ ಥೆ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ವಿಭುನೇ ಕೈ ಗಡ್ಡೆ ಭಿ ದೇಖಾ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ सार्वजनिक कार्य विभाग इंग्लिश में पीडब्ल्यूडी डी कहते हैं इसका मतलब है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं सार्वजनिक कार्य विभाग ने निर्माण कार्य कारण सड़क के एक तिहाई भाग पर पत्थर गिरे थे एक तिहाई भाग वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री भाग पर क्या करे थे निर्माण कार्य कारण सड़क के एक तिहाई भाग पत्थर गिरे थे पत्थरों को गिराया गया था ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ವಿಭುನೇಕ ಈ ಗಡ್ಡೇ ವಿ ದೇಖ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅನೇಕ ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಿಭು ನೋಡ್ತಾನೆ ಉಸ್ನೇ ಸೋಚಾಕಿ ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಾಹಿಯೇ ಈ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತೆಗ್ಗನ್ನು ತೋಡಿದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆನ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಡ್ಕೋ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗೋಂಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಾಹಿಯೇ ವಿಭುಗೆ ಏನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ದಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗೋಂಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಾಹಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುರಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕಾಕ್ಕೋ ಸಫಾಯಿ ಏನ್ ದೇಖ್ರೇಕ್ ಭೀ ಚಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಫಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಡನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಭು ಸಡಕ್ಕೆ ಬೆತಾಕೋ ಅನುಭವ ಕರ್ ದುಃಖಿ ಹೋಗಯ ವಿಭು ಸಡಕ್ಕೋ ದೇ उस सड़क की व्यथा को देखकर गड्ढों को देखकर और सड़क को आस, आ, दारिया व्यथयान नोड़ ऐनमे अंतर बहुत दुखी हो गया तुम बेजार आगते उसको लगा कि सड़क कितना सहती है सहना सहिष्णुता सहिष्णुता भाव सहना सहान कुछ भी एक काम को सहना पड़ता है सड़क को ಇಸ್ ಓ ಸೋಚನೆ ಲಾ ಸಡಕ್ ಬಹುತೀ ಈ ದ ರಸ್ತೆಯು ಎಷ್ಟು ಸಹನಶೀಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಿರ್ಬಿ ಸಬ್ಕೋ ಜೋಡನೆ ಕಿ ಉದಾರತ ದಿಖಾತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಕಚ್ಚಿ ಹೈ ಕೈ ಡಾಮರ್ ವಾಲಿ ಹೈತೋ ಕೈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಿ ಬು ಹ ಸಡಕ್ ಆಪ್ ದೇಖ ಸಕತೆ ಕೈ ಕಚ್ಚಿ ಸಡಕ್ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಿ ಅನೇ अपूर्ण सड़क होता है अपूर्ण कच्ची सड़क होती है अपूर्ण कुछ काम नहीं होता उसको कच्चा सड़क कहते हैं कई डामर वाली डामर वाली ब्लैक कलर सड़क देखते हैं हम डामर कहते हैं उस पर डामर डालते हैं तो वो डामर वाली सड़क को हम देखते हैं कई कांक्रीट से बनी सड़क है कांक्रीट से बनी सीमेंट रोड कहते हैं तो कॉन्क्रीट से बनी सड़क होती है तीन तरह के सड़क हम देख सकते हैं सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है सड़क को अपने रूप की चिंता नहीं है सड़क कच्चा हो कांक्रीट हो या डांबर वाला हो लेकिन सड़क को लोगों की चिंता है मगर लोगों को सड़क की जरा भी परवाह नहीं है परवाह यानी चिंता लेकिन लोगों को हमें सड़क की चिंता नहीं है सड़क की परवाह नहीं करते हम सड़क की परवाह करना चाहिए जो गड्ढों को निकालते हैं ವಾಟರ್ ಯಾ ಸಪ್ಲೈಗೆಲಿಯೇ ಯಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಲೇಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಠೀಕ್ಸೆ ಮರಮ್ಮತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾ ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ರೋಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಅವಿರೂಪಗಳಿಸಬಾರ್ದು ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಭು ಸಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಥ ತೋ ವಿಭುವೆ ಸಡಕ್ಕೋ ಸಾಂತ್ವನ ದೇತೆ ಹುವೆ ಕಹ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ವ್ಯಥಾಕೋ ದೇಕರ್ ಈ ಸಡಕ್ಕಿ ವ್ಯಥಾಕೋ ದೇಕರ್ ವಿಭುನೇ ಸಡಕ್ಕೋ ಸಾಂತ್ವನ ದೇತೆ ಕಹ ಸಾಂತ್ವನ ದೇನಾ ಉಸ್ಕೋ ಸಮಜಾನ ತಸಲ್ಲಿ ದೇನ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ರೋಮಾ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ರೋಮಾ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಳಬೇಡ ತುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಕೇಳಿಯೇ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ಸಕ್ತೇ ಹೇ ಕೊಯ್ ಉಪಾಯ ಬತಾವು ಅವನು ಸಡಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ रास्ता रास्ते को कहता है माँ हम तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ माँ कोई उपाय बताओ इना तो उपाय वरना हेल सड़क वात्सल्य भाव से बोली बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो मेरी सूरत ना बिगड़ा बिगड़े बिगाड़े तो अव का रास्ते तो रास्ता माँ बोलती है बेटा मैं चाहती हूं कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो तो रास्ता चाहता है कि लोगों में सुरक्षा का भाव हो ऐसी सुरक्षा सड़क की सुरक्षा का भाव होना चाहिए हम सब में बच्चों हम सब में कैसा भाव रहना चाहिए सड़क की सुरक्षा सड़क को विरूप नहीं करना चाहिए गड्ढों को मिट्टी से ढांपना है मुचना है और विरूप नहीं करना चाहिए तो सड़क की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और सड़क पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए बनाना का छिलका नहीं डालना चाहिए ये क्या होता है सड़क की सुरक्षा तो सड़क की सुरक्षा हमारा एक भाव होना चाहिए और मेरी सूरत ना बिगाड़े तो सड़क कहती है मेरी सूरत यानी मेरा फेस नहीं बिगाड़ना है तो हम कंक्रीट रोड रहता है डामर रोड रहता है उसको खोदते हैं उसको विरूप कर देते हैं तो मेरी सूरत ना बिगाड़ें सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें सफाई का ध्यान रखें सफाई का ध्यान यानी हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं भारत में तो सफ़ाई का ध्यान रखना है रोड पर कोई कचरा प्लास्टिक्स और बनाना का छिलका कोई भी छिलका हो कुछ भी नहीं डालना चाहिए हम क्या करना चाहिए सार्वजनिक तो स्थलों में एक कूड़ादान रहता है तो उसमें क्या करना चाहिए उस कचरे को कूड़े को डालना चाहिए सड़क पर कोई भी अन्य वस्तु को नहीं डालना चाहिए और सफाई का ध्यान इस तरह रखना है और यातायात के नियमों का पालन करना है यातायात का नियम है ना ट्रांसपोर्ट के नियमों का पालन करना चाहिए आपको पता है ट्रांसपोर्ट का नियम क्या है ट्रांसपोर्ट का नियम क्या होता है तो हम रेड लाइट है ग्रीन लाइट और ग्रीन लाइट का जो हम पाठ पढ़ा था तो रेड लाइट है तो हम स्टॉप करना है ग्रीन है तो हम क्या करना चाहिए जाना चाहिए ग्रीन इस तरह यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए जिस जगह पर हेवी गुड्स लारी नहीं जाती वहाँ पर नहीं जाना चाहिए तो हम यातायात के नियमों का पालन करें इस तरह रास्ता बोलता है विभू का लगा कि लोगों को अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए हवा विभू के अंसते ಈ ಜನರ ಜನರು ಈ ರೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಕ್ತಿ ದಿಲಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಡಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಫಾಯಿ ಎಂ ದೇಗ್ಭಾಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೋಗೊಮೆ ಜಾಗೃತಿ ಲಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಸಡಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಡಕ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೆಲಿಯೇ ರೋಡ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೆಲಿಯೇ सफाई एवं देखभाल के प्रति सफाई के लिए सड़क की सफाई के लिए और देखभाल के प्रति सड़क के देखभाल के लिए हम क्या करना चाहिए लोगों में जागृति लाना चाहिए सब लोगों में लोगों में क्या लाना चाहिए जागृति यानी सचेत करना चाहिए इसलिए सड़क के साथ साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए और सड़क पर कोई भी कूड़ा डाले या उसको विरूप करे तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए यानी कुछ फाइन डालने के लिए बात करता है ताकि वे अपने नागरिकों के कर्तव्य के प्रति सचेत रहे और सब लोग नागरिकों के कर्तव्य नागरिक कर्तव्य के सचेत रात हेड़ी योजना मारता ने लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे सरकारी विभागों के साथ लो र, सर सड़क की रक्षा केवल सार्वजनिक आ, कोंका या सार्वजनिक सरकारी विभागों का ही काम नहीं है सार्वजनिक आ, एक विभागों का काम नहीं है ये काम एक कार्य किसका है एक आम आदमी का भी है यानी हम सब लोगों का लोग क्या करना चाहिए सड़क की सुरक्षा के लिए कभी भी तैयार होना चाहिए इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उसके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है और इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने वाले जो लोग सड़क को तोड़ते हैं कुछ काम के लिए छोटा सा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सड़क तोड़ते हैं चिक्के खिल सके तुम्हारा जास्ती एन मारता के तुम्बा इफ़ेक्ट मारता तो ಕಾಟನೆ ತಥಾ ಗಂಧಾ ಕರೆವಾಲೆ ತೋ ರಾಸ್ತೆ ಕೂಡ ಡಾಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಗಂಧಾಕೋ ಎಹಸಾಸ್ ದಲಾನಾ ಚಾ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಉನ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಡಕ್ಕೂ ಕಿತನಾ ಕಷ್ಟು ಹೋತಾ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಭು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಭು ನೇತೈಕಿ ಹಾಕಿ ವಾ ಅಪ್ಪನೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ಮೆ ಮೇ ಇಸ್ ದಿಶಾ ಮೇ ಕು ಪ್ರಯಾಸ ಅವಶ್ಯಕರೇಗ ಸೊ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೈಕಿಯ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಯಕೀಯ ಅವನು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ನೆ ಸಾಥಿಯೋಸೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಕೆ ತನ್ನ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಸಾಥಿಯೋಕೆ ಸಾಥ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇ ಇಸ್ ದಿಶಾಮೆ ಕುಚ್ಛ್ ಪ್ರಯಾಸ ಅವಶ್ಯಕರೇಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನು ದಿಶಾ ದಿಶಾಮೆ ಕುಚ್ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಗ ಈ ಒಂದು ಸಡಕ್ ರಕ್ಷಾಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಚ್ತೆ ಸೋಚ್ತೆ ಒ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓರ್ಚಲ್ಪಡ ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಓರ್ ಸೋಚ್ತೆ ಸೋಚ್ತೆ ಓ ಇಸ್ ಬಾತ್ಕೋ ಸೋಚ್ತೆ ಸೋಚ್ತೆ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತರಫ್ ಚಲ್ಪಡಾ ಭಲೇ ಹಿ ಚಲೇ ಮೇಲೆ ಉಸೆ ಥೋಡಿ ಸಿ ದೇರ ಹೋಗಿ ಥೀ ಲೇಕಿನ್ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾನೇ ತಕ್ थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि वो गिर पड़ा था साइकिल नहीं थी चल कर गया था लेकिन स्कूल साढ़े नौ बजे पहुंचना था लेकिन वह देरी हो गई थी बच्चों इस पार्ट को ठीक से पढ़िएगा बहुत छोटा सा पार्ट है बहुत अच्छा है इसे हमने ये सीखा कि सड़क हमारी माँ जैसे है उसे भी दर्द होता है तो हम सड़क की सुरक्षा करना चाहिए हम एक भारतीय नागरिक है हम एक नागरिक के होने के नाते सड़क की रक्षा करना चाहिए सड़क की रक्षा करना चाहिए सड़क को गड्ढे नहीं खोदना चाहिए और इस सिर्फ सड़क की रक्षा करना चाहिए और सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए सड़क पर कोई गंदी वस्तुओं को गंदगी नहीं फैलाना चाहिए कूड़े कुड़, कूड़े को कूड़े दाल में दान दान में डालना चाहिए सड़क की रक्षा केवल सार्वजनिक विभागों की नहीं ये एक सड़क की रक्षा करना हमारा भी आद्य कर्तव्य होना चाहिए बच्चों आइए बच्चों कुछ प्रश्नोत्तर को देखेंगे देखेंगे आइए मुहावरे को देखेंगे पहले घाव भरना गड्ढों को भरना यानी जो मिट्टी से निकाले रहते हैं तो उसको क्या करना मिट्टी से भरना सांप सूं जाना इसका अर्थ है निष्कर्ष हो निशेष्ट निष्क्रिय होना विशिष्ट सूचना जलपूर्ति विभाग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सार्वजनिक कार्य विभाग पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट तो बच्चों देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए एक वाक्य में उत्तर बहुत आसान है बच्चों एक वाक्य में हम उत्तर लिखना विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था बच्चों नवीं कक्षा में पढ़ रहा था आपके जैसे सड़क पर किसी ने क्या फेंक दिया था सड़क पर क्या फेंक का दिया था फेंकना इन्हें बिसाड़ो तो सड़क पर किसी ने केले के छिलका फेंक दिया था थर्ड क्वेश्चन सड़क के बीच बीच में विभू ने क्या देखा तो सड़क के बीच बीच में पत्थर गिरे थे सड़क के एक भाग पर पत्थर गिरे थे पत्थर है बहुत सारे पत्थर गिरे थे और बीच बीच में वीबू ने कई गड्ढों को भी देखा कई गड्ढों गड्ढे यानी हल्ला कहते हैं कन्नड़ में तो गड्ढों की हम सब देख सकते हैं बहुत सारे गड्ढे रहते हैं उसको ढामते नहीं है बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं गड्ढों में तो फोर्थ क्वेश्चन सड़क को किसकी चिंता नहीं है बच्चों सड़क को अपने रूप की चिंता नहीं है, है ना फिफ्थ क्वेश्चन सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए सड़क पर अन्याय करने वालों को कार्रवाई होनी चाहिए विभू ने किसके मार्गदर्शन में प्रयास करने की बात सोची किसके मार्गदर्शन में प्रयत्न करने की बात सोचता है विभू ने अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में प्रयास यानी प्रयत्न करने की बात सोचा तो बच्चों इतना था एक मार्क का क्वेश्चन तो देखेंगे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ सेकेंड मेन में आप देखिए मैं नोट्स भेजती हूँ तो थर्ड मेन आइए रिक्त स्थान भरिए विभू को डैश बजे तक स्कूल पहुंचना था कितने बजे तक पहुंचना था बीबू को साढ़े नौ बजे तक नाइन थर्टी सेकेंड रिक्त स्थान भरिए वन वो डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था वो किस पर दौड़ रहा था तो वह सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है चोट लोग महीनों महीनों सड़क के घाव नहीं भरते महीनों महीनों बहुत सारे दिन तक क्या करते हैं घाव नहीं भरते लोगों में सड़क की डैश का भाव होना चाहिए कौन सा भाव होना चाहिए सड़क की सुरक्षा का भाव सिक्स वन लोग सफाई का ध्यान रखें लोग डैश का ध्यान रखें सफाई का ध्यान रखें अन्य वचन रूप लिखे बच्चों देखिए केला केले छिलका छिलके तांगा तांगे महीना महीने घंटा घंटे लोग लोग एज इट इज़ रहता है कुछ वचन पाँव पाँव जानवर जानवर एज इट इज़ घाव घाव उपाय उपाय इधर देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल है आवाज़ आवाजें यानी ऊपर एक बिंदु आता है बच्चों सड़क सड़कें बिंदु चोट चोटें सूरत सूरतें जगह जगह हैं आइए यातायात साधनों के नाम लिखिए यातायात साधन यानि रास्ते पर चलने वाले यानी यातायात यानी ट्रांसफ ट्रांसपोर्टेशन किस किस से हम कर सकते हैं सड़क पर चलने वाले सड़क पर चलने वाले एक व्हीकल्स का नाम लिखना है बस ट्रक ऑटो कार स्कूटर ये सब पटरी पर पटरी यानी रेलवे ट्रैक तो उस पर रेलगाड़ी चलती है बस पानी पर क्या क्या चलता है जहाज और नाव आसमान में क्या क्या चाहते हैं विमान रॉकेट और हेलीकॉप्टर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है यहां पर है बच्चों इसको ढूंढकर लिखना है पर्यायवाची शब्द मतलब पहले शब्द जैसा रहता है उसके अन्य दो समानार्थक शब्द को लिखना है फॉर एग्जाम्पल सड़क रास्ता राह एक ही मीनिंग आता है उसी तरह साफ उसका और दो तो मीनिंग शुद्ध स्वच्छ और खुशी का पर्यायवाची शब्द संतोष आनंद एक ही है स्कूल को और दूसरे नाम है विद्यालय पाठशाला कहते हैं साथी को क्या कहते हैं फ्रेंड को दोस्त कहते हैं और मित्र कहते हैं सूरत फेस सूरत मुख चेहरा आदमी मानव मनुष्य पानी जल नीर ये क्या है समनार्थक शब्द है और किन किन फलों को छिलकियों के साथ खा सकते हैं किन को नहीं एक सूची बनाइए छिलके के साथ खाने वाले आ, एक कप, सिप्पे जोते तिन्वन तेलो फल सेब अमरूद चीकू अंगूर अंजूर छिलका निकाल कर हम क्या खाते हैं केले को छिलका निकाल कर फेंक देते हैं संतरे को छिलका निकाल कर फेंक देते हैं अनार और आम और तरबूज ये सब क्या है छिलका निकाल कर खाते हैं आ, नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे इतना था हमारा कुछ प्रश्नोत्तर और इधर देखेंगे सार्थक रूप बनाइए नाइन्थ में इन पार्ट में से द्वित्व शब्दों को चुनकर लिखिए जल्दी जल्दी द्वित्व शब्द क्या होता है एक शब्द और दूसरा शब्द जोड़ी पद कहते हैं कन्नड़ में यानी जोड़ी पद नहीं कहते क्या कहते हैं जल्दी जल्दी तो एक जो शब्द एक दो बार उच्चरित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं द्वित्व शब्द कहते हैं कभी कभी जल्दी जल्दी बीच बीच और महीने महीने साल साल दूर दूर साथ, साथ। मतलब एक ही साथ दो शब्द सेम रहता है और उसको हम क्या कहते हैं द्वित्व शब्द कहते हैं और बच्चों इधर देखिए वर्ग पहले से यातायात के साधनों का नाम चुनकर लिखिए उसको छोड़िए इधर लिखें टेंथ इलेवेंथ में आपका नाम क्या है आपका नाम लिखना है आपकी उम्र कितनी है हाउ ओल्ड आर यू लिखना है कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप आपको लिखना है नौवीं कक्षा में पढ़ता हूँ स्कूल का नाम क्या है आपको लिखना है आपकी स्कूल का नाम आपके स्कूल कितने बजे पहुँचना है आपको सुबह मॉर्निंग कितने बजे पहुँचना है साढ़े नौ बजे दस बजे आपके कितने मित्र हैं कितने फ्रेंड्स हैं क्या वे कभी आपके सहायता करते हैं आपके दोस्त हाँ या ना लिखना है एस और नो अपने किसी एक मित्र का नाम लिखिए एनी वन फ्रेंड नेम आपको लिखना है एट क्वेश्चन के लिए टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ मेन में, में देखिए बच्चों अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए एक तिहाई एक तिहाई कहते हैं वन थर्ड को और वन फोर्थ को क्या कहते हैं बच्चों एक चौथाई क्या कहते हैं एक चौथाई तो और हाफ को कहते हैं आधा क्या कहते हैं लिखिए बच्चों आधा थ्री बाई फोर तीन चौथाई वन एंड हाफ डेढ़ और फिफ्थ वन आप देख रहे हैं वन थ्री बाई फोर इसको क्या कहते हैं पौने दो पौने दो नेक्स्ट टू एंड हाफ टू एंड हाफ को क्या कहते हैं ढाई कहते हैं बच्चों लास्ट देखेंगे हम अनुरूपता टेंथ थर्टींथ मेन अनुरूपता देखेंगे साइकिल दो पहिया दो पहिया याने दो क्या रहते हैं उसको गाली कहते हैं कन्नड़ में दो पहिया कार को कितने रहते हैं चार रहते हैं कभी कभी द्विरुक्ति कभी कभी यानी दो बार उच्चरित होने वाले पद को हम द्विरुक्ति कहते हैं और आर पार शब्द युग्म कहते हैं ये इसको कहते हैं जोड़ी पता तो रेलगाड़ी पटरी तो रेलगाड़ी कहाँ से निकलती है पटरी पर यानी और साइकिल कहाँ से निकलती है रास्ते पर निर्ममता रेफ शब्द प्रकार पदेन शब्द है बच्चों तो इतना था अनुरूपता आपको नोट्स भेजेंगे इसको ठीक तरह से पढ़िए समझिए आशा है कि आपको समझ में आया होगा हम सड़क की रक्षा करना है धन्यवाद